सो हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं चाइनीज प्रोडक्ट की। बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं चाइनीज फोन्स की। सो आजकल काफी लोग कह रहे हैं कोरोना वायरस की वजह से कि यार कोरोना वायरस चाइना से आया है, हमारी इकोनॉमी गिर रही है उसकी वजह से। सो हमें चाइनीज प्रोडक्ट को बैन करना चाहिए, चाइनीज फोन्स को नहीं लेना चाहिए, मेड इन इंडिया फोन्स को लेना चाहिए। सो मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि यार इस बारे में थोड़ा और सोचिए फिर ये कहिए। सो बेसिकली देखा जाए तो यार जो रियलिटी है, हमारे पास कोई भी खुद का स्मार्टफोन नहीं है। मेड इन इंडिया कहा जाए तो यार मेड इन इंडिया कोई भी स्मार्टफोन नहीं है। ओप्पो, वीवो, इन्फिनिक्स, रियलमी, रेडमी, जितने भी प्रोडक्ट्स आप देख रहे हैं, जितने भी फोन देख रहे हैं, ये इंडिया की कंपनीज नहीं है, ये सब बाहर की कंपनीज हैं। लेकिन इनकी असेंबली यही होती है, यानी कि इनके पार्ट्स जो है, इनके कंपोनेंट्स जो है, बाहर से मंगाए जाते हैं और यहाँ इंडिया में आके असेंबल होते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों का एम्प्लॉयमेंट मिलता है। सो ज़्यादातर यार कंपनीज ने क्या किया है, अपनी इंडिया में ही स्टोर्स खोलती है ताकि जो बाहर के कंपोनेंट्स होते हैं, बाहर से कंपोनेंट्स आते हैं, उनको इंडिया में असेंबल किया जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है और काफ़ी लोग यार बेरोजगारी की लाइन से हटते हैं, काफ़ी अच्छा कमा रहे हैं इस फील्ड में, नो डाउट। एंड बेसिकली अगर हम बात करें इनके कंपोनेंट्स की, तो कंपोनेंट्स यार ज़रूरी नहीं है कि चाइना से आते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि यार ज़्यादातर कंपनीज चाइनीज़ हैं, उनके कंपोनेंट्स आते हैं, लेकिन ज़्यादातर कंपोनेंट्स जो है ताइवान से आते हैं, चाइनीज़ चाइना से भी आते हैं, रशिया से आते हैं काफ़ी कंपोनेंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप चिपसेट जानते होंगे, मीडियाटेक, हेलियो G90, स्नैपड्रैगन 720G, ये सब जितने भी चिपसेट अलग अलग होते हैं, अलग अलग कंट्रीज से आते हैं, फिर वो इंडिया में आके असेंबल होते हैं। सेकंड चीज़, आप जो मोबाइल फोन्स में GST देते हो, यानी कि आप तो पहले तो 12% GST लगता था, अब 18% हो गया है, लेकिन जितना भी GST आता है मोबाइल फोन्स की तरफ से, वो इंडियन गवर्नमेंट हो जाता है, यानी कि इंडियन इकोनॉमी में ग्रोथ इसकी वजह से होती है। तो आप क्या चाहते हैं यार, इंडियन इकोनॉमी में ग्रोथ ना हो, हम लोग के इंडिया में जितनी भी अनडेवलपमेंट है और अनएम्प्लॉयमेंट है वो ख़त्म हो जाए। अनएम्प्लॉयमेंट इसकी वजह से काफ़ी हद तक ख़त्म हुई है इंडिया में, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज है, तो यार बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट भी मिला है लोगों को इसकी वजह से, जिसकी वजह से यार काफ़ी लोग अपना हंसी खुशी रह रहे हैं इंडिया में। तो आप क्या चाहते हो? तो यार मैं आपसे बस इतना कहना चाहूँगा कि यार ये बातें कहने से पहले यार सोच लो, क्योंकि 18% GST बहुत होता है यार, इससे इंडिया की इकोनॉमी को काफ़ी ग्रोथ मिलती है और काफ़ी अच्छी कमाई होती है इंडिया की, एंड काफ़ी लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है आज के टाइम इसकी वजह से। सो ऐसी बात नहीं है। और अगर आप इंडिया के प्रोडक्ट्स की बात करते हो तो यार इंडिया के पास अभी कोई भी प्रोडक्ट नहीं है। हाँ, इंडिया के काफ़ी स्टेप्स चल रहे हैं, जियो भी काफ़ी मैं देख रहा हूँ आजकल स्टेप्स ले रहा है कि हम खुद के इंडियन फोन्स बनाएं, लेकिन यार एकदम करेक्ट देखा जाए तो हमारे पास अभी रिसेंटली में कोई भी इंडियन फोन्स नहीं है, प्रॉपर इंडियन फोन्स जिसकी असेंबली और कंपोनेंट्स भी इंडिया से आए हो। इंडिया इस पर स्टेप्स उठा रहा है कि अब हम कंपोनेंट्स जो है इंडिया में ही बनाएंगे। हो सकता है कि आने वाले वक्त में आपको इंडियन फोन्स, प्रॉपर इंडियन फोन्स देखने को मिल जाए, लेकिन अभी तो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। सो यार ऐसी बात करने से पहले ध्यान रखा करो, और अगर पूरी बात ना पता हो तो ऐसी बात ना किया करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो यार लाइक करना, सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन है उसको जरूर दबा देना, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।